Good morning friends, I am Chirchal and today we discuss values. Values hote kya hai? Values are long lasting beliefs. Values are long lasting beliefs. About life. About what is important. About different situation. Variety of situation, like हमारा belief system क्या है, चाहे वो organization में ले लो, हमारी personal life में ले लो, हमारा belief system क्या है. Value जो है वो change नहीं होते time के साथ साथ, वो हमें help करते हैं ये जानने के लिए कि ethics क्या है हमारे, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है. That's all about value. Like कोई person है, वो value, उसके लिए वैल्यू है मनी की, मतलब वो मनी को ज़्यादा वैल्यू देता है. तो जब भी वो कोई भी डिसीज़न लेगा तो सबसे पहले देखेगा उसको मोनेटरी टर्म में क्या बेनिफिट हो रहा है. जब वो दूसरों को जज करेगा ऑन दैट टाइम वो मनी को ज़्यादा वैल्यू देगा, सो दैट उसकी वैल्यू, उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो क्या कहता है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है. किसी और का बिलीफ सिस्टम या फिर वैल्यूज़ के लिए हो सकती है, वो रिलेशन को वैल्यू देता हो, मतलब रिलेशन से बढ़ के, चाहे वो सोशल रिलेशन हो चाहे वो फैमिली रिलेशन हो, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता. तो उसका वैल्यू और बिलीफ सिस्टम वो होगा जो लाइफ टाइम के लिए नहीं चेंज होता. बट सम सिचुएशन इज़ देयर जिसमें चेंज हो जाती है, वैल्यूज़ चेंज हो सकती है. 90% चेंज नहीं होती, बट 10% हम एग्जम्पशन लेके चलते हैं कि हाँ चेंज हो सकती है. नाउ टाइप्स ऑफ वैल्यू. वैल्यू के कितने टाइप्स होते हैं? वैल्यू हैव टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज टर्मिनल. टर्मिनल यानी कि जो हम चाहते हैं, टर्मिनल वैल्यू मतलब जो हम चाहते हैं, लाइक विजडम, ब्यूटी, ये वो वैल्यूज़ है जो हर कोई चाहता है कि मेरे पास कंफर्ट लाइफ हो, मेरे ब्यूटी, मतलब मैं सबसे ज़्यादा सुंदर लगूं. खासकर गर्ल्स की ये बात आती है कि जब भी वो सोचती हैं, जब भी वो अपने फंक्शन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए रेडी होती है, उनके लिए सबसे पहले आता है कि वो सबसे सुंदर दिखें. उनकी वैल्यू ऐसी है, उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो ऐसा है. सेकेंड वन इज इंस्ट्रूमेंटल. इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होते हैं जो हमें हेल्प करती है, जो हमें हेल्प करती है टू अचीव टर्मिनल वैल्यू. इंस्ट्रूमेंटल जो हमें अचीव हेल्प करती है अचीव करने में टर्मिनल वैल्यू को, लाइक पोलाइटनेस और इंटेलिजेंस. पोलाइटनेस, इंटेलिजेंस लगाते हैं हम. इंटेलिजेंस, पोलाइटनेस. इफ अ पर्सन इज पोलाइट, अगर वो पोलाइट है और काइंड है, देन ही गेट विजडम लाइफ. तो विजडम लाइफ गेट करते. इस तरीके से हम अगर ये दो क्वालिटीज़ अपने अंदर अडॉप्ट कर लेंगे, पोलाइटनेस की एंड काइंड, सॉरी हाँ पोलाइटनेस, पोलाइट और काइंड, हम अगर पोलाइट होंगे और काइंड होंगे तो हम विजडम को अचीव कर लेंगे, विजडम की लाइफ जिएंगे. दैट इज़ टर्मिनल वैल्यू. इंस्ट्रूमेंटल हमारी हेल्प करता है टर्मिनल वैल्यू को अचीव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए. नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज ऑपरेटिव एंड लास्ट ऑपरेटिव वैल्यू. ऑपरेटिव वैल्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंटेंडेड प्लस अडॉप्टेड. अडॉप्टेड, इंटेंडेड प्लस अडॉप्टेड. इंटेंडेड क्या होता है? इंटेंडेड आपकी खुद की वैल्यू, सेल्फ वैल्यू.
जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो भी हमारा जो पहले से एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर मेरा बिलीफ सिस्टम या मेरा माइंड ये कहता है कि अगर मैं मेहनत करूँगी तभी मैं सक्सेस को अचीव कर पाऊँगी, दैट इज़ माई बिलीफ सिस्टम, दैट इज़ माई वैल्यू, दैट क्रिएट्स माई वैल्यू एंड अडॉप्टेड आफ्टर जॉइन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, हमारे अंदर मतलब पर्सनल वैल्यू के अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं। हमारे जो वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम होता है, उसमें चेंज आता है। जैसा हम देखते हैं, हम कहते नहीं जैसा हम देखेंगे वैसा ही करेंगे, दैट इज़ ऑपरेटिंग वैल्यू। आफ्टर ज्वाइनिंग ज्वाइन दीज टू, मतलब इन दोनों वैल्यू को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ऑपरेटिव वैल्यू बनेगा। हु हैव जिसके पास ये जो वैल्यू है, ऑपरेटिव वैल्यू होगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चेंज भी होगा और खुद की वैल्यू भी होगी, तो वो सबसे सक्सेसफुल माना जाता है, सक्सेसफुल और बेस्ट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट इज कैटेगरी ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ की कैटेगरी डिवाइड किए, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पर्सनल वैल्यू एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू मतलब कि जब ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ऑपरेटिव वैल्यू जो है इंटेंडेड एंड अडॉप्टेड, तो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू को हम अडॉप्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं, अडॉप्टेड वैल्यू। नाउ व्हाट्स अ पर्सनल वैल्यू? पर्सनल वैल्यू में कुछ भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक थियोरटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब जो थ्योरी पे इम्फेसिस देता है, मतलब कि सच की खोज में ढूंढना, सच को ढूंढना, डिस्कवरी द न्यू थिंग्स, जिसको मज़े आते हैं कुछ नई चीज़ करने में, लाइक साइंटिस्ट, रिसर्चर। सेकंड इज इकोनॉमिक वैल्यू में हमारा आ जाएगा बिजनेसमैन, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इम्फेसिस करता है। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड है। नेक्स्ट इज सोशल वैल्यू, ये हमारे नेक्स्ट कैटेगरी हमारी बन जाती है सोशल वैल्यू, जो सोसाइटी पे कंसर्न करते हैं, लाइक एनजीओज। पॉलिटिकल वैल्यू पावर पे जो फोकस करते हैं, जिनके लिए पावर ही सब कुछ होता है, कहते हैं ना चेयर पर इन्फ्लुएंस करना लोगों को, जिनके मेन पर्पज़ यही होते हैं, इन्फ्लुएंसिंग द अदर्स, रीजन। रिलीजियस जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है गॉड, बिलीव इन गॉड, मतलब उनकी जो वैल्यू होता है, उनका जो सिस्टम होता है, वो कहते हैं कि गॉड में बिलीव करो। कुछ लोग होते हैं, जिस एरियाज में बिलोंग करती हूँ वहाँ पे खाटू श्याम बाबा को काफ़ी माना जाता है, तो उनका जो रिलीजियस हो गया वो उस पर्टिकुलर गॉड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्फेसिस हो गया। दैट इज़ ऑल अबाउट वैल्यूज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।